Expressing grief over the demise of former Madhya Pradesh Chief Minister Sunderlal Patwa, incumbent Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said it has been decided that the poor will be allotted houses under the PM Awas Yojana today. मध्य प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने वाले लाखों लाख जनता के हृदय के हार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ऐसे राजनेता कि दल के ऊपर भी उठ के जिनका सभी दल सम्मान करते थे और जिनके बिना मध्य प्रदेश की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पटवा जी अब हमारे बीच नहीं है। रात में वो पूरी तरह से स्वस्थ थे जब सोए, लेकिन सवेरे जब वो देर तक नहीं उठे और वहां उन्हें देखा तो उनको अस्पताल लाया गया और यहाँ सब डॉक्टर्स ने मुझे बताया, मैं भी अभी उनको देख के आया कि वो अब हमारे बीच नहीं है। वे अजात शत्रु राजनेता थे। यह अजीब संयोग है कि आज श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि है और आज के दिन ही उनके साथ जीवन भर काम करके भारतीय जनता पार्टी को, पहले जनसंघ को प्रदेश में स्थापित करने वाले हमारे नेता पटवा जी नहीं रहे। मन दुखी है। प्रदेश में 3 दिन राजकीय शोक रहेगा। आज पार्टी जनों से और परिजनों से चर्चा करने के बाद एक फैसला और हमने किया है। आज एक कार्यक्रम है, 3.5 लाख गरीबों को मध्य प्रदेश में मकान बनाने की स्वीकृति पत्र दिए जाने और जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके मकान बनेंगे। हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया। पटवा जी की भी इच्छा यही रहती कि गरीबों के कल्याण के लिए कोई काम हो रहा है तो उसको रोका ना जाए, इसलिए पूरी सादगी से बिना स्वागत सत्कार के श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज गरीबों को मकान देने के स्वीकृति पत्र प्रदेश में बांटने का कार्यक्रम यथावत रहेगा।